Jivani, your class teacher. So I'm back with my subject Hindi. First poem Suraj. तो सूरज ये कविता लिखने वाले यानी कि ये कविता किसने गाई है तो उनका नाम आपको अंत में दिया होता है। तो ये कविता जिसने लिखी है और गाई है उनका नाम है श्री प्रसाद। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। ओके, इन एग्जाम्स वी विल आस्क यू कि हु हैज रिटन और हु हैज सिंग दिस पोयम, ये कविता किसने गाई है, तो इनके लेखक या कवि का नाम क्या है, श्री प्रसाद। Okay, so I will start the poem with singing it. Okay, so I hope you all will sing with me. पूरब का दरवाजा खोल धीरे धीरे सूरज गोल लाल रंग बिखराता है ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी खिलती है कलिया प्यारी दिन सीढ़ी पर चढ़ता है ऐसे सूरज बढ़ता है। सो ये मैंने अभी फिलहाल दो स्टंजा सिंग किए हैं यानी कभी दो स्टंजा गाए हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ गाना है और अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। पूरब का दरवाजा खोल, आप सबको पता है पूरब यानी कि पूर्व दिशा। एवरीवन नो फोर डायरेक्शंस आर देयर, कितनी दिशाएं हैं, चार दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सो हम सबको पता है कि सूरज पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सो हम यहाँ पे साथ साथ में क्या लिखते जाएंगे, शब्दार्थ लिखते जाएंगे। क्या लिखेंगे, शब्दार्थ, सो दैट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। ओके, सो फर्स्ट है पूरब। पूरब मतलब क्या होता है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा। तो पूरब दिशा से सूरज निकलता है, उसका दरवाजा खोल कर मतलब सूरज सुबह सूर्योदय होता है तब सूरज क्या करता है, वहां का दरवाजा खोल के मतलब वहां से एंटर होता है। धीरे धीरे सूरज गोल, और सूरज कैसा होता है, गोल होता है। और सूरज कैसे आता है, एकदम धीरे धीरे, एकदम से ऐसा नहीं होता कि आग और एकदम तेज धूप दे दी, बट वो धीरे 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 बढ़ता है। लाल रंग बिखराता है, यहाँ पर दूसरा वर्ड आया हमारा बिखराता है। तो क्या करता है जब सूरज सुबह निकलता है तो कौन से कलर, कौन सा कलर बिखराता है, बिखराता यानी के फैलाना। तो कौन सा कलर फैलाता है, यस लाल रंग फैलाता है। ऐसे सूरज आता है यानी पूर्व का दरवाजा खोल के लाल रंग बिखरा बिखरा करके सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी खिलती है कलिया प्यारी। तो हम सबको पता है कि जैसे सूरज बढ़ता है, सूरज आता है, वैसे पूरा जग यानी पूरा संसार खिल उठता है और चिड़िया भी उठ के ची 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 करके गाना गाने लगती है। खिलती है कलियां प्यारी यानी कलियां फूल, ये सब किसके ऊपर आधारित है, सूरज निकलता है उसकी रोशनी से फूल पौधे पेड़ ये सब खिल उठते हैं यानी कि कलियां भी खिल उठी है। तो उसके बाद लिखा दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है यानी दिन सीढ़ी पर चढ़ता है। दिन में दिन जैसे कि सूरज रोज सुबह निकलता है उसके बाद क्या होता है, दिन बढ़ता जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं दोपहर के टाइम पे तो क्या होता है, एकदम पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है गर्म होता है यानी सन जो है वो हमारा एग्जैक्ट ऊपर होता है यानी इसका कहने का मतलब दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और ऐसे ही क्या होता है, सूरज बढ़ता है। Once again we will read the both stanza. पूरब का दरवाजा खोल धीरे धीरे सूरज गोल लाल रंग बिखराता है ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी खिलती है कलिया प्यारी दिन सीढ़ी पर चढ़ता है ऐसे सूरज बढ़ता है। नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पेज टू स्टैंजास आर देयर सो दैट वी विल आल्सो लर्न। क्या दिया है यहाँ पे, लगते हैं कामों में सब सुस्ती कहीं न रहती अब धरती गगन दमकता है ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है धूप थकी सी आती है सूरज आगे चलता है ऐसे सूरज जलता है। सो आप सबको पता सूरज अगर सूर्योदय होता है सूरज तो उसके बाद शाम को सूर्यास्त यानी सनसेट भी होता ही है। तो हम इसके बारे में लगते हैं कामों में सब, जैसे सुबह हो जाती है तो सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं राइट। आपके पेरेंट्स अगर जॉब कर रहे होंगे तो वो जॉब प्लेस पे जाएंगे एंड यू ऑल आर माय लिटिल किड्स गेटिंग रेडी फॉर टू कम स्कूल राइट। स्कूल आने के लिए वो रेडी होते हैं राइट, अपना अपना काम उनको स्टार्ट करना होता है। धरती गगन दमकता है,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, धरती और गगन दो नए वर्ड्स हैं यहाँ पे हम, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, धरती, तो धरती मतलब जमीन और गगन, गगन मतलब आसमान, गगन मतलब आसमान। That means कि आसमान और धरती यानी कि जमीन, जब सूरज निकलता है तो क्या होते हैं, दमक होते हैं यानी कि चमक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक और वर्ड है वो मिलेंगे दमकना या दमकता, दमकता तो उसका अर्थ क्या होगा, चमकता। ये है राइमिंग वर्ड जिनके दोनों के आवाज एक जैसी होती, समान आवाज वाले शब्द जिसमें हम लिखते हैं दमकता तो चमकता, राइट। उसके बाद लिखा ऐसे तेज चमकता है, क्या चमकता है, सूरज इतना तेज चमकता है जिसकी वजह से या कौन, जमीन और आसमान दोनों ही खिल उठते हैं। गर्मी कम हो जाती है जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, गर्मी होती है उसके बाद शाम को क्या हो जाती है, गर्मी एकदम से कम हो जाती है। धूप थकी सी आती है यानी एकदम जैसे कि अब धूप दे देकर के खुद भी थक गए हैं तो वो कैसे हो जाती, एकदम थकी सी आती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है, और सूरज आगे 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 चलता जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, ढलता है। ढलना यानी क्या होता है, छिपना, ढलना यानी कि छिपना, वो छिप जाता है। ढलना यानी के छिपना यानी कि वो छिप जाता है, शाम को सूरज अस्त हो जाता है यानी कि ढल जाता है। So once again we will revise this, पूरब यानी पूर्व दिशा, बिखराता फैलाता, धरती जमीन, गगन आसमान, दमकता चमकता, ढलना छिपना। अब हम हमारी जो पोयम है सूरज वे एक बार पूरी फिर से गाकर रिवाइज करेंगे और आप सबको भी मेरे साथ गानी है उसको के। पूरब का दरवाजा खोल धीरे धीरे सूरज को, लाल रंग बिखराता है ऐसे सूरज आता है, गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलिया प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है ऐसे सूरज बढ़ता है, लगते हैं कामों में सब सुस्ती कहीं न रहती, तब धरती गगन दमकता है ऐसे तेज चमकता है, गर्मी कम हो जाती है धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है ऐसे सूरज ढलता है। सो हमने क्या किया, इस कविता को पूरा हमने दो से तीन बार गाया भी और उसका हमने एक्सप्लेनेशन कि इस कविता में एक्चुअली कवि क्या कहना चाहते हैं वो हमने सीखा और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या सीखा, शब्दार्थ भी सीखे। ओके सो हमने ये कविता गाई, उसके बारे में समझा, तो हमें इसके ऊपर से क्या पता चलता है, एग्जैक्टली ये जो कवि है श्री प्रसाद वो हमें क्या बताना चाहते हैं, पूरे दिन में सूरज कैसे आता है कैसे जाता है, उसके दौरान जब सूरज आता है तो क्या फेरफार होते हैं, क्या बदलाव आता है, ये सारी चीजें हमें बताई गई है। लाइक हमने पहले पढ़ा कि जैसे सूरज आता है रंग बिखराता है, कौन सा रंग बिखराता है, लाल रंग बिखराता है, उसके बाद उसके आने के बाद चिड़िया सारी गा उठती है, कलियां खिल उठती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने खुद देखी होगी कि सूरज आने से पूरे शहर में पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है, उसके आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि चलो हमारा नया दिन स्टार्ट हो गया, राइट। उसके बाद पता है कि लोग अपने काम में लग जाते हैं, लोग अपने काम में कब लगते हैं, रात को सोते हैं, एट दैट टाइम दे आर थिंकिंग कि कल मॉर्निंग होगी हम काम पे जाएंगे, तो क्यों, क्योंकि मॉर्निंग में सूरज आता है उससे हमें काम मिलती है एनर्जी, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, अच्छी एक ऊर्जा मिलती है जिससे हमें काम करने की ताकत, एक अंदर से शौक जाता है कि हमें काम करना है, ये पॉजिटिव वाइब्स हम सोच सकते हैं हमें सन में से मिलते हैं। उसके बाद आप सबने शाम का सीन लिखा होगा, मतलब कि सूर्यास्त का यानी कि सनसेट का, जब शाम को सूरज ढल जाता है तो क्या होता है, जब सूरज शाम को ढल जाता है तो पूरा है रोशनी खत्म हो जाती है और एकदम क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती, बट हाँ हम मूड के वेट करते ही हैं, राइट। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से क्या हो जाता है, फिर से सन निकलता है यानी सूर्योदय होता है, फिर से वही सारी चीजें होती हैं, चिड़िया गाएंगी, फूल खिलेंगे, सब लोग काम करेंगे, यही हमारा रूटीन
चलता रहता है। ओके, आपको एक पूरी कविता सुनकर कितना तो सूरज के बारे में पता चल गया होगा कि सूरज कितना इम्पोर्टेंट है। वो आपको श्री प्रसाद के द्वारा कही गई जो कविता है सूरज और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।